पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और ये नाम छत्तीसगढ़ को यूं ही नहीं मिला बल्कि 23,000 से ज़्यादा किस्में जो हैं वो छत्तीसगढ़ में अभी तक हो चुकी है, जिसको रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में संजो के रखा गया है। आप मेरे पास ये देख सकते हैं कि बहुत सारी धान की किस्में जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो धान है वो पंख की तरह दिखता है, इसलिए इसे पंख युक्त धान कहा जाता है। इसकी 4 वेराइटी है। इसके अलावा खास किस्में जो धान की है उसको भी यहाँ संजो के रखा गया, और ये जो यहाँ से आप सारी धान देखेंगे ये सारे जो है वो सुगंधित किस्म के धान हैं, जिसको यहाँ जो है संजो के रखा गया है रिसर्च पर्पस के हिसाब से। इसके अलावा आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम्स में आपको दिखेंगे एक एक रो में, जिसमें तीन तीन सेट लगाए गए हैं, और जिसमें कुल 23,000 धान की किस्में जो हैं उनको संजो के रखा गया है। और धान की किस्मों के बारे में बात करने के लिए यहाँ के डॉक्टर सुनील नैया सर हमारे साथ है। सबसे पहले सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, यहाँ पे रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में 23,000 धान की किस्में रखी गई हैं संजो के, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर। जी, ये जो किस्में हैं 23,000 जो आपके फार्मर्स से ही कलेक्ट की गई हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये सब जगह से कलेक्ट की गई किस्में हैं, जो कि उनको यहाँ पे सजो के रखा गया है। और उसकी कुछ कुछ खासियत है जो पुराने ज़माने से यहाँ कल्टीवेट होती हैं वही किस्में हैं, और उनको यहाँ पे सजो के रखने का कारण ये है कि ये हमारे सीनियरों की दूरदृष्टि थी कि ये किस्में अभी जो विलुप्त होने कगार पे हैं जी उसको सजो के रखा जाए, और जब भी ज़रूरत पड़े तो जिस ट्रेड के लिए हम लोग को वो कैसी किस्में चाहिए, तो ये जितनी भी वेरिएबिलिटी है, जी ये जो विविधताएँ हैं, इसको सजो के रख के उसको यूटिलाइज करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, ये पीछे अगर हम देखेंगे तो धान की बहुत सारी किस्में हैं, यहाँ भी देखेंगे तो धान ही धान दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में बताएंगे सर किस तरह के धान हैं, क्या खासियत है इनमें। ये जितने भी 23,000 किस्में हैं इसका जी पूरा का पूरा इवेल्यूएशन हो चुका है, और इसको फिर स्टडी करके कैटलॉग के रूप में भी डिजिटाइज वे में भी निकाला जा चुका है, और इस पर जी पूरी स्टडी हो चुकी है कौन सा धान किस युग काम में आएगा और किसकी अवधि कितनी है, ये पूरा का पूरा डिजिटाइज और एक बुक पब्लिश हो चुका है, 4 बुक इसमें पब्लिश किए हैं, जी और इसका जितना भी फर्दर यूटिलाइजेशन होते आ रहा है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आज जितनी मेरे को जानकारी है कल इससे ज़्यादा होगी। जी 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 जैसे हमारे जो सजो के रखे थे, जैसे उन्होंने परसेप्शन था गठवन किस्में, लायचा किस्में, ये गठवन जैसे वो जोड़ के दर्दों के लिए ठीक था तो उसके लिए यूज़ करते हुए थे, जी तो उसको यूज़ करते थे तो उसके उस पर फिर बार्क के साथ हम लोग टेस्टिंग किए उसके, तो उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई गई। तो आज जितनी जानकारी मुझे है कल जी इससे ज़्यादा होगी, और उसका नए नए जानकारियाँ भी प्राप्त होती जाती है, उस हिसाब से हम लोग रिसर्च को भी मॉडिफाई करते रहते हैं। सर, ये मेरे पीछे देखने को मिलेगा सर, यहाँ धान की बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें मेडिसिनल धान भी है, सुगंधित धान भी है, इसके बारे में बताएंगे सर किस तरह के धान हैं, किसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये जैसे औषधि गुण वाले धान के, जैसे ये है सराई फूल है, बैसूर है, बैसूर जो है जो माइग्रेन की प्रॉब्लम, आधा सीसी का दर्द जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। इसका हस्क जो रहता है, इसका छिलका रहता है, उसको आप जला के उसका धुआं अगर सूंघोगे तो आपका आधा सीसी का दर्द ठीक हो जाएगा। ये परसेप्शन है कि इनका फार्मर्स का, फार्मर्स और का यूटिलाइज भी करते हैं। जी तो उसको हम लोग को फिर उसकी टेस्टिंग चल रही है कि उसका क्या ऐसा कंटेंट है जो कि आपको सूंघने से या धुआं करने से आपको माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाता है। ये रिसर्चेबल इशू है। जी यही सब वैसे ही उसके एल्यूरॉन लेयर पे, जैसे गठवन के एल्यूरॉन लेयर पे जो केमिकल प्रेजेंट रहता है वो एंटी कैंसरस रहता है, जी तो उसको यूटिलाइज करते हुए कैसे हम लोग नए नए ड्रग्स बनाएं इस पर अभी जी रिसर्च चल रहा है। सर, इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन कौन सी वैरायटी के धान हैं जो अभी छत्तीसगढ़ में उगाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत तरीके के धान की वैरायटी उगाए जाते हैं, जैसे अगर पोहा पर्पस के लिए हुआ तो महामाया किस्म बहुत यूज़ होता है, जी और वैसे ही अगर यहाँ की पसंद पूछा जाए तो यहाँ जी बासमती टाइप पसंद नहीं करते, जी जी छोटा सुगंधित दाना। तो हमारी जितनी भी सुगंधित किस्में हैं सब छोटे दाने वाली है, एरोमेटिक शॉर्ट ग्रेन बोलते हैं उसको, जी सुगंधित छोटा दाना। वो उसके उस पर जैसे बाशाभोग हुआ, दुबराज हुआ, विष्णुभोग हुआ, जावा फूल हुआ, तो जी ये सब ऐसे किस्में थी जिसकी उपज कम है जी लेकिन क्वालिटी अच्छी है और वो प्रिफर करता है, जी तो उसको हम लोग अन्य किस्मों के साथ कंपीट नहीं कर पा रहा था करके उसको फिर उसमें रिसर्च हुआ और उसका डायरेक्ट सीड चेन में लाने के लिए सेलेक्टेड वैरायटी निकाला गया। जी वो उसमें भी हाइट ज़्यादा थी,
तो इन सबको दूर करते हुए ऐसा उत्प्रेरण विधि म्यूटेशन के थ्रू उसका हाइट कम किया गया ताकि ये फर्टिलाइज़र रेस्पॉन्सिव हो और यील्ड बढ़े और लॉजिंग ना हो ऐसे किस्मों का, और इनका क्वालिटी मेंटेन रहे, जो सुगंध है वो, जो उसका टेक्सचर है, जो मुंह में रखने से ही वो घुल जाए वैसा वाला जो कैरेक्टर है उसको इंटैक्ट रखते हुए इसका उपज बढ़ाया गया। और नई किस्में जैसे म्यूटेंट वैरायटी दुबराज म्यूटेंट, विष्णुभोग म्यूटेंट, ये सब आई, और दुबराज म्यूटेंट के नाम पे अभी 5 वैरायटी के और इसी साल हुई है। तो ये सब किस्में को लाने का पर्पस ही यही था कि किसानों तक उसकी पहुंच बढ़ाया जाए। वैसे ही सफरी 17 करके एक किस्म थी जो कि पुराना फार्मर बहुत यूज़ करता था, उसको भी नई तकनीक से हमने उत्प्रेरित करके विक्रम TCR के नाम पे निकाला है, जो कि अभी प्रचलित हो रही है। सर अगर बात किया जाए सबसे महंगी जो धान की अपनी वैरायटी है जो छत्तीसगढ़ में पहले से अभी तक हुई है, सबसे महंगी ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसको आज पूरे विदेश से भी उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है? ये एरोमेटिक शॉर्ट ग्रेन में सबसे महंगी तो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी अभी भी जो किसान आते हैं उन्होंने बोला, जैसे मेरे को अभी आज सवेरे ये किसान आया कि हम कामोद कंपनी करके किस्म है, उनके पिताजी को बहुत पसंद है, उसका सीड चाहिए। ऐसे ही अलग अलग परसेप्शन में अलग अलग लोगों का अलग अलग है, सभी वैल्यूएबल है। अब एक्सपोर्ट क्वालिटी का बोलेंगे तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ से कोई जाके एक बार दिल्ली में कोई बसा है और उसको हम एरोमेटिक शॉटगन में बादशाह भोग खिला दें या जावा फूल खिला दें तो वो उसको ही पसंद करता है, फिर वो दूसरा पसंद नहीं करता। तो लोगों के टेस्ट के हिसाब से है, यहाँ के लोगों का टेस्ट है, ये बाहर जो खीर में यूज़ होने वाला है वो आप कोई बासमती नहीं पाओ पसंद करेगा, वो यहाँ का ही पसंद करेगा। तो ये सब की वैल्यू मार्केट परसेप्शन के हिसाब से चेंज होती जाती है, तो उसको स्टडी करते हुए हम कौन कौन सा उस लेवल में नए नए किस्में निकालते हैं, ये भी हमारा रिसर्चेबल इशू रहता है, और उस हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं और अपने हमारा प्रोडक्ट के अब ओरिएंटेड हो गया है। अब एक वैरायटी निकालना है करके हम नहीं निकाल रहे, उसकी मार्केट स्टडी होती है और कौन से प्रकार का धान और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हो गए मिलर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, और गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है उसके हिसाब से कौन सा खेत में जाएगा जी। उस हिसाब से अलग अलग किस्में, अलग अलग किस्में वैरायटी, अलग अलग साइंटिस्ट लोग उसको ब्रीड करते रहते हैं। अच्छा सर, क्वालिटी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है, ऐसी मिट्टी में क्या क्वालिटी है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धान जो है वो यहीं पाए जाते हैं? मिट्टी के साथ साथ यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ पे जैसे ये जो जयपुर इलाका, जयपुर यानी उड़ीसा से वाला इलाका है, और यहाँ का जो वातावरण है ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाता है, यानी उसका द्वितीय उद्गम स्थल है, और इस यहाँ पे इसी कारण अलग अलग किस्मों का यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है ऐसा मानते हैं, और विभिन्न प्रकार के, आप ऐसा नहीं कि गुच्छेदार जैसे कि नारियल के गुच्छे के रूप में किस्में हैं, तुलसी माला के, तुलसी की माला जितनी छोटी छोटी किस्में हैं, धनिया फूल किस्में हैं, ये सब विभिन्न किस्में अपने आप में देखने में एक आनंद की अनुभूति होती है, और उसको कैसे यूटिलाइज करें ये हमारा मेन पॉइंट रहता है। तो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में 23,000 धान की किस्में जो हैं वो यहाँ पे सजोई गई है। आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी किस्में, आप पूरे विश्व में इकलौता ये छत्तीसगढ़ का विश्वविद्यालय जो रायपुर का है, कृषि विश्वविद्यालय, वहीं पे आपको 23,000 धान की किस्में जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फिलीपींस में आपको धान की 1,00,000 से ज़्यादा किस्में देखने को मिलेंगी, लेकिन वो पूरे विश्व से इकट्ठा की हुई किस्में हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप जो देखें कृषि विश्वविद्यालय में जो आपको देखने मिलेंगे वो यहाँ पर सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा बॉर्डर के पास की जो धान की किस्म है वही देखने को मिलेंगी, और लगातार जो है वो इन धान की किस्मों में जो है वृद्धि होते जा रही है, और यहाँ पे इन धान के किस्मों को इसीलिए रखा गया है ताकि इस पर रिसर्च किया जा सके और लगातार जो नई वेराइटी है जिससे किसानों को फ़ायदा हो सके म्यूटेशन से, वो यहाँ पर रिसर्च किया जा रहा है ताकि किसानों को आगे आने वाले समय पर इससे फ़ायदा हो सके। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ अभिषेक कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।